शाहिद होले क्यों होले शाहिद धरो सारा ना हमारे एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई कल जा रहे हैं हम दिल्ली, मेरी मीटिंग थी तो पत्नी जी ने भाई जुगाड़ जुगड़ लगा के और साथ हो गई, पापा से हाँ भरवा लिया। बाकी मैं मना कर रहा था और मेरे पापा मना कर रहे थे दोनों। ये मेरे को लेके नहीं जा रही थी बिल्कुल भी, भाई से बात की, फिर मेरी ननद से बात कराई, फिर पापा से बात करी, जब इसने हाँ भरी है मेरे को ले जाने के भाई लिए। मैं क्यों नहीं लेके जा रहा था, क्योंकि थी इसके नजले की दिक्कत, वैसे ही क्योंकि थी गाड़ी हमारे पास, उसका हो चुका एक्सीडेंट। इसने करा किसके साथ? भाई एक्सीडेंट होता रहता है, अगर साधन रोड पे चला तो उसका एक्सीडेंट होगा। डेढ़ महीने के अंदर दो बारी, अब से कुछ लगा लो भाई, किस्मत ही ऐसी है। तो भाई कल जा रहे हैं दिल्ली, पहली बार ये दिल्ली बस में जा रही है, नहीं तो अभी तक हमेशा गाड़ी में गई है, पहली बार बस में जाएगी। और आपको पता है ठंड का टाइम है, आज 7 दिसंबर है और आपको पता है कितनी ठंड हो रखी है, तो कल ये सड़क बगाओगी दिल्ली पहुंच की ना। यार सड़क बगाओगी ये भाई, कपड़े देख लो इसके भाई। फाइनली दिल्ली पहुंच चुकी है ये और बिल्कुल परेशान है। सुबह चले थे 4:20 पर इस हाथ से और फाइनली दिल्ली आ चुके हैं और ये तंग हो गई यहाँ पहुँचते पहुँचते, जितना चाह था इसका वो अंदर से निकल गया इसके। ये भाई पहुंच चुके हैं पापू दाब के मैं। ये भाई बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची हो रखी है, देख लो इसको। फिर रो क्या था है, चलने का जी ना करता फिर रो क्या था है, है? क्यों रो है? दिमाग खराब मत करो, साइड होने मार। हाँ साइड होने क्यों होने साइड? फिर रो क्या था है? ले 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 ले। आजा चल चल लगा। फिर रोवा क्या था है? मुझे भी काले सुने। पागल हो गया था। देखो इसका सुंदर सा चेहरा, रोड लाग रही। पहली बार हरियाणा रोड इसमें सरफर कर रही है, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। तो भाई वादरगढ़ पहुंचे, वापिस जा रहे हिसार, बस स्टैंड है
ट्रेन में चल पड़ो बस में। ट्रेन का टाइम कौन है? फिर किसी वजह से गई बस छुट्टी? तेरी वजह से छुट्टी? तो बेचारी भूखी थी फिर बिस्कुट खुआने जाओ थे उसने तो भूखी थी वह कितने पीछे पीछे ताड़ मार फेरी बैठ है चल उठे चल लागे डेढ़ घंटा हो गया इसकी वजह से बैठे बैठे तो वह भी तो भूखी थी उसका भी तो पेट भरा है बेचारी का। हाँ भरा था ना वो इतनी दूर तो पीछे पीछे आई मेरा बस नहीं मिल गई देरी भाई कितनी देर हो गई बैठे हुए यहाँ पे मगर बस का कुछ नहीं पता था पता खड़ जा गई भाई फाइनली घर पहुंच चुके हैं। कल रात को पहुंचे थे काफी थक गए थे इसलिए फटाफट मैंने गाजर छील ली इसने काटी प्याज पूज काटे और सब्जी बनाकर क्योंकि पापा को भी भूख लग रही थी हमें खुद भूख लग रही थी तो फटाफट खाना खुना बनाकर और खाकर सो गए। काफ़ी थक गए थे क्योंकि थी इसकी वजह से अगर ये वहाँ पे एनिमल लवर नहीं पड़ती ना मैं बिस्कुट खिला रही हूँ तो नॉन स्टॉप में आ जाते भाई दिल्ली की सार नॉन स्टॉप फिर वो बस ऐसी मिली वो सारी अंदर से आई फिर वहां पर बस एक नॉन स्टॉप बहादुरगढ़ बस स्टैंड से बार बार से निकल गई फिर मैं इसको बाहर लेके गया और उसके तुरंत दो मिनट के बाद बस आ गई अंदर बस स्टैंड के अंदर आ गई। वो नॉन स्टॉप नहीं थी वो रोहतक के अंदर से आती थी उसमें ज्यादा टाइम लगता है जो रोहतक के अंदर से आते हैं उसमें 4 घंटे लगते हैं और जो बाहर नॉन स्टॉप आती है उनमें 2.5 घंटे लगते हैं। बजा बजा के मेरी जूती तोड़वा दी खर्चा हो गया दुआ के लिए क्या ये जोड़ी और भाई ये गुस्से गुस्से में आते वक्त रोने लग गई आने का मन नहीं कर रहा था गुस्से गुस्से में ठंडे पानी से नहा लिया इसमें और अब ये हालत है। हम भी मना नुआई थी मना क्यों नुआई थी तो जब का गला पड़ रहा था नाले 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 चाल चालना चाल चालना फिर लेट नहीं हो रही थी क्या फिर मोस्टली का 4-5 तन पे रहा ना जी ना करार में हाँ बस तेरा के जी करा के ताड़ जान फिर अभी इसको खांसी जुकाम हो गया मुझे लेके दिक्कत पहले ही इसके पहले का बता सींड बगाती है अंडे की फिर बगा दी यार तो भाई इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं ये 2 दिन की सफर था अब आगे मिलते हैं ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं आप।